आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। हमने तो सुना है कि कुछ साल बाद सही है।
होता है जो Oh,
मोर भाई तुम रुक क्यों गई? गाना बंद क्यों कर दिया? ये हमारी मनपसंद रागिनी है, गानों में रस खोलती है, गाए जाओ। मोर भाई गाए जाओ। हुजूर जहांपनाह, मैं आपसे माफी की खास्त कर रही हूँ। शोर से मेरे दिमाग में चोट लगती है, मेरा जी घबराता है। हम तुम्हारी नाजुक मिजाजी से बखूबी वाकिफ हैं। बाहर जाइए, मालूम कीजिए ये कैसा शोर है। दिल्ली नहीं आला पदा, बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। कौन बिल्कुल मुल्क साहबत खान जहाँ पदा कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हमें मालूम हुआ है कि ईरान के बादशाह नादिर शाह का एलची आपके दरबार में हाजिर होने के लिए रात इंतजार करता रहा। नादिर शाह ईरान का बादशाह? हम तो सफवी खानदान के शाह तहमाब सानी को ईरान का बादशाह मानते हैं। लेकिन हुजूर, नादिर कुली बेग ने शाह तहमाब को पुख्ता पलट दिया है। हम एक मामूली बगैर एक बात सुनने नहीं चाहते। एक बादशाह के एलची से आप नहीं मिलना चाहते ना ही है। लेकिन ये खत पढ़ लीजिए। आप खत पढ़कर सुनाइए। बिल्कुल अलीशा, क्या हुआ सरकार? अरे बोलिए, ये खत पढ़ने के काबिल नहीं है। क्यों? मेरे तो शहनशाह की सरासर तोहीन है। इसमें तो नादर कुली ने आपको साफ साफ धमकी दी है। वो लिखता है, अगर अफगानों को हिंदुस्तान में पनाह दी गई तो हमें बजाय तुर्की की तरफ जाने के हिंदुस्तान आना पड़ेगा। उसकी ये मजाक साधु सुना सुना तुमने? अपने दिल से ख्याल छोड़ दो कि तुम भी कभी ईरानी थे। हमने तुम्हें नवाजा, तुम्हें ईरानियों से टक्कर लेनी होगी। नवाब सादत खान एलची को गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्त नहीं, दफ्तर बेमानी में शराब और नाक के जाम में डुबो देने के खिलाफ। दो साल होने को आए, आप खोए खोए से नजर आते हैं। क्या परेशानी है आपको? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ कहा नहीं जाता, क्या किया जाए? इधर मंटू ने मालदार गुजरात में नाक में दम कर रखा है। मंटू को चटनी भी दी, लाखों रुपया चौथ में भी दिया, लेकिन उनका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान का बादशाह आंधी तूफान की तरह बढ़ता चला आ रहा है। हुजूर, शाही खजाने खाली हो रहे हैं। काबुल के सूबेदार और मोहम्मदों को रोकने के लिए खान दौरा और राजा जय सिंह ने जंग की तैयारी में इतना रुपया खर्च कर दिया कि रुपये कार्रवाई थी। शहनशाह की आंखों में धूल डाली गई, सब माल खजाना हजम हो गया। जब तो राय क्या तुम जानते हो शाही खजाने की कुंजियां और मोहर किसके हाथ में? नहीं हो आलेगा निजाम बताइए किसके हाथ में है? शाह जी, शाह आपके मुजफ्फर और फकीर की बेटी कोकी जियो के हाथ में है, बादशाह उनकी मुट्ठी में है। लेकिन उन सब बातों को जानते हुए भी आप दिल्ली से इतनी दूर क्यों चले आए? हमको दक्कन से कूच कर जाना चाहिए। शहनशाह मोहम्मद शाह पर ये राज आया होने ही चाहिए। चाहते हो रहे शाही दरबार भांडो नक्कालो मस्सर कलावंतों और डोमनियों की महफिल बन गया है। शहनशाह हिंद को आसिफ जाह निजामुल मुल्क जैसे काबिल उमरा के मशवरों की जरूरत नहीं। नहीं, अभी देर नहीं हुई। जादू राय, ऐसे दरबार में जाकर हम अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहते। आप बजा फरमाते हो, लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं। सुना है
मराठे दिल्ली के गिरजो नवा में तालकटोरा पहुंचने वाले हैं। उधर नादिर शाह कंधार फतेह करके अटक पार कर चुका है। अब आपके सिवा मुगलिया सल्तनत को बचाने वाला और कोई नहीं। आपने और आपके बुजुर्गों ने, हाँ हमारे बुजुर्गों ने मुगलिया खानदान की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। हम उस आसिफ जाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने दक्कन के सरकश इलाके में मुगलों के झंडे गाड़ दिए। हमने शहनशाह आलमगीर और शहनशाह शाहजहां की आंखें देखी हैं। ऐसे शहनशाह जो कौनती बिजलियों से इश्क करते थे, जिनके घोड़ों के सुमो से जमीन का सीना थर्राता था। शाही दरबार में अब बहादुरी और दिलेरी की बातें नहीं होती, हरदम रंग रलियां मनाई जाती हैं, राग रंग की महफिलें आरास्ता होती हैं। जादुराय हुजूर, खेमे से बाहर जाकर देखो कौन लोग झगड़ा कर रहे हैं। जी हुजूर, एक फकीर आपसे मिलना चाहता है। एक फकीर हमसे मिलना चाहता है? क्या कहा? फकीर मालूम होता है कोई पागल है हुजूर। ये लीजिए, वो तो अंदर ही धोखा चला रहा है। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? फकीरों और पागलों को आसिफ जाही दरबार में किसी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम तसल्लिया चाहते हैं आज ही जाते हैं, थोड़ी देर में फकीर से बात करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो भाई, दिल्ली से क्या खबर लाए शेर खान? मेरा मतलब है दिलेर खान, नहीं अली सिंह। दिल्ली और दिल्ली वालों का हाल खराब है। आपकी जासूसी के बाद की पल पल भर की खबर रखते हैं। सुना है कोकी जियो, वो फकीर की बेटी जिसे गढ़ मुक्तेश्वर के मेले से लाल किले लाया गया था, शाह अब्दुल गफूर से मिल गई है। उन दोनों ने शहनशाह को उल्लू बनाकर खूब लूटा। जी हाँ, लेकिन अब इन दोनों की इज्जत खाक में मिल चुकी है। हुजूर, नादिर शाह ने अटक पार कर लिया है, लाहौर फतेह करके आगे बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि दिल्ली फतह हो जाए। आप दिल्ली जाकर शहनशाह की मदद कीजिए, आप उनके वफादार हैं। शहनशाह हिंद को हम जैसे वफादार की जरूरत नहीं। मुझे डर है नवाब बुरहानुल मुल्क सादत खां सूबेदार अवध ईरानी नादिर शाह से मिल ना जाए। उन पर निगाह रखने की जरूरत है। आप जैसा समझदार मोहम्मद शाही दरबार में अब कोई नहीं। समझने और समझाने की अब कोई बात नहीं रही। जहां पना की आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है, उन्हें जश्न मनाने से फुर्सत ही नहीं। तुम तो जानते ही हो हम दिल्ली छोड़कर क्यों आए थे। भरे दरबार में मियां करेले ने हमको देखकर बूढ़ा बंदर कहा था। जरूरी बातें करनी है। ईरान का बादशाह नादिर शाह लाहौर से दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ता चला रहा है। शहनशाह हिंद ने निजामुल मुल्क को भी दक्कन से दिल्ली बुला लिया है। रूठे हुए निजाम और उनके भाई बहन वजीर कमरुद्दीन डर से सहमे से नजर आ रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि जंग की तैयारी का मशवरा दें या दोस्ती का हाथ बढ़ाने का। लेकिन सरकार, आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं?
रंगीले मोहम्मद शाह, अभी आपने श्री महेश्वर दयाल का लिखा ये उर्दू नाटक सुना। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, हसन खां, राजेश्वर नाथ, सुरेंद्र सेठी, राम मैनी, बाकर मुस्तबा, शमशेर सिंह ठाकुर, चांद नारायण सक्सेना, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्ज़ा, एस बी सक्सेना, ओपी राय, आनंद शर्मा, शकील अहमद, सरफराज हुसैन खां, गजाला अमीन, रश्मिदर और मंजू मैनी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।